तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि 90 के दशक में म्यूजिक सेंटर, म्यूजिक लाइब्रेरी वाले ऑडियो कैसेट कैसे भरा करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप म्यूजिक सेंटर पर जाते थे और लगभग अपना एक पर्चा बनाते थे, एक लिस्ट बनाते थे, उसमें आप 10 गाने लिखा करते थे, जो कि एक ब्लैंक 60 मिनट की ब्लैंक कैसेट में 10 गाने आया करते थे और 90 मिनट की ब्लैंक कैसेट में लगभग 14 या 15 गाने आते थे। तो म्यूजिक सेंटर वाले अपने कलेक्शन में से, सभी कैसेट में से एक एक गाने जो आपको लिख के देते थे, वो कैसे भरते थे, चलिए आपको भर के दिखाता हूँ। और वाकई में यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी पुरानी यादें ज़रूर ही आज ताज़ा हो जाएंगी और आप भी कुछ समय के लिए वही 90 के स्वर्णिम दशक में लौट जाएंगे। तो ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारी मेरी रिकॉर्डिंग मशीन है। ये रही दोस्तों ब्लैंक कैसेट, तो चलिए इस ब्लैंक कैसेट को हम लगाते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा मैं। और तो चलिए दोस्तों, हम लगाते हैं दिलवाले फिल्म की ऑडियो कैसेट, जो कि बीनस कंपनी पर आई थी। बहुत ही प्यारे इसमें गाने थे, क्योंकि म्यूजिक नदीम सरवन ने दिया था। तो चलिए थोड़ी देर प्ले करके देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ये नॉर्मल स्पीड में कैसेट से कैसेट रिकॉर्ड हो रही है, दिलवाले फिल्म का गाना इस ब्लैंक में जा रहा है। चलिए अभी हम इसको फास्ट करते हैं और फास्ट में भी हम रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। ये मैंने थोड़ी आवाज़ की बढ़ा दी, ये मैं फास्टर दबा रहा हूँ, देखना। तो फाइनली दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग फास्ट में हो रही है, चलिए प्ले करते हैं। दोनों कैसेट मैंने बंद कर दी, स्टॉप कर दिए। अभी दोस्तों, इसका गाना हमने इस ब्लैंक कैसेट में डाला, दिलवाले फिल्म का, थोड़ी देर के लिए प्लेयर में भी डाला, फास्टर में भी डाला। अब हम उसको सुनते हैं कि जो हमने गाना इसमें रिकॉर्ड किया है, आखिरकार इसकी आवाज़ कैसी हुई, क्या इसके जैसी है या इससे 19 है या 20 है, वो देखने के बाद पता चलेगा, सुनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम टैप टू सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा रिमाइंड, थोड़ी सी रिमाइंड करने के बाद, और अब हम इसको करेंगे प्ले। ठीक है, कर दी मैंने रिमाइंड, चलिए प्ले करते हैं। आवाज़ आवाज़ दोनों, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, बहुत ही पावरफुल आवाज़ आ रही है दोस्तों। आप सुनो, आप मेरे पास में होते जब पता चलता, फिर भी आपको बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही हूँ। चलिए सुनाता हूँ मैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखना ये जो प्ले स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड में कैसेट रिकॉर्ड हो रही है। चलिए हम इस स्पीड को थोड़ा फास्ट करते हैं और फास्टर में भी हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। फास्टर दबाने जा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये रहा फास्टर। तो दोस्तों, फाइनल देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ फास्टर है इसका और दोनों कैसेट बहुत ही फास्ट घूमने लगी हैं। और ये अब देखते हैं हम रिकॉर्डिंग कैसी होती है। तो ये फास्ट में घूम रहा है, चलिए प्ले कर देते हैं।